आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस क्राइम न्यूज बुलेटिन में आइए देखते हैं जराइम और हादसात से जुड़ी कुछ खबरें। शहर हैदराबाद के पॉश इलाके बंजारा हिल्स के एक पब पर हाल ही में पुलिस के छापे और रात देर गए तक पब चलाने मंशियात की सप्लाई के इल्जाम पर गिरफ्तार अहम मुजिमीन अनिल और अभिषेक को पुलिस ने पूछगुछ के लिए अपनी तहवील में ले लिया। चंचलगुड़ा जेल में जेर दरियाफ्त कैदी अनिल और अभिषेक को बंजारा हिल्स पुलिस ने पूछगुछ के लिए जेल से पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। इन दोनों से पुलिस तकरीबन चार दिनों तक पूछगुछ करेगी। पुलिस ने इस मामले की जांच में शिद्दत पैदा कर दी है। 3 अप्रैल को इस पब पर पुलिस ने छापा मारा था, जिसमें बाज अफराद के कोकीन इस्तेमाल करने का भी पुलिस को पता चला था। पब के मैनेजर अनिल और पब के पार्टनर अभिषेक के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया था। इस मामले के असल मुजरिम नंबर 1 अनिल और मुजरिम नंबर 2 अभिषेक बनाए गए हैं। पुलिस को इस मामले में दोनों मुजरिमों के जब्तशुदा फोन से अहम मालूमात हासिल होने की भी इत्तला है। मंशियात फरोख करने वाले अफराद के साथ उनके ताल्लुकात का पुलिस पता चलाने की कोशिश कर रही है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का वर्कर सड़क हादसे में हलाक हो गया। हैदराबाद के बंजारा हिल्स में पेश आए सड़क हादसे में JHMC का वर्कर हलाक हो गया। यह हादसा जुमेरात की सुबह उस वक्त पेश आया जब किरण नामी यह वर्कर सड़क के दरमियान डिवाइडर के पास लगाए गए झाड़ों को पानी दे रहा था। पुलिस ने बताया कि कार के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में कार ने उसको टक्कर दे दी और किरण मौके पर ही हलाक हो गया। इस हादसे के बाद कार ड्राइवर फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाने में महफूज करवा दिया और इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया गया। अशोरापेट के साबिक TRS रुकन असेंबली वेंकटेश वर्लू की दुख्तर 26 साल महालक्ष्मी ने खुदकुशी कर ली। महालक्ष्मी ने दमाईपेट इलाके में वाकई मकान में सीलिंग फैन से फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। उसने MBBS की तकमील की थी और PG की तैयारी कर रही थी। बेटी की मौत की इत्तला पर साबिक रुकन असेंबली वेंकटेश वर्लू दमाईपेट में वाकई अपने मकान पहुंचे। पुलिस ने सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस इस इंतहाई इकदाम की वजह मालूम करने की कोशिश कर रही है। पुलिस साथ ही ये भी पता चलाने की कोशिश कर रही है कि आया महालक्ष्मी ने कोई सुसाइड नोट छोड़ा है। बंजारा हिल्स पुलिस ने रियासते ओडिशा से गांजे की स्मगलिंग करने वाली 3 रुकनी बैन रियासती टोली को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमीन की शिनाख्त नरसिम्हा राव, N वेंकन्ना बाबू और P मणिकंटा के तौर पर की गई है। उन तमाम को पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो ओडिशा से हैदराबाद गांजे की स्मगलिंग कर रहे थे। मुलजिमीन एक गाड़ी में गांजा शहर लाकर उसे ग्राहकों को ज्यादा कीमत पर फरोख्त करने की कोशिश में थे कि पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। उनके कब्जे से 60,000 रुपये का गांजा, 3 सेलफोन जब्त कर लिए गए। तेलंगाना के जिले निजामाबाद के नवीपेट मंडल के मेकनपल्ली देहात में रहने वालों में गुज़िश्ता 4 दिनों से खौफ पाया जाता है, क्योंकि उस इलाके में तेंदुआ मकामी अफराद को नजर आया। गांव के नवाई इलाके में 2 तेंदुओं की मौजूदगी की इत्तला पर मकामी अफराद में तशवीश की लहर दौड़ गई। जुमेरात की सुबह कस्तूरबा बालिका स्कूल के पीछे के इलाके में एक पहाड़ पर एक तेंदुआ नजर आया। मकामी अफराद ने इल्जाम लगाया कि महकमे जंगलात के अहदेदारों को इत्तला दिए जाने के बाद भी इस सिलसिले में कोई इकदामात नहीं किए गए। इस तेंदुए की तस्वीर एक शख्स ने अपने सेलफोन में कैद कर ली, जिसमें देखा जा सकता है कि तेंदुआ पहाड़ी पर ठहरा हुआ है। ये तस्वीर जल्द ही सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गई। नाजरीन, आज के क्राइम न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।